गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता ही है अभी मैं उत्तराखंड की यात्रा पर हूँ और उत्तराखंड में अभी जोशी मठ में हूँ। और जोशी मठ में आपको पता है यदि हमने कल वृक्ष नहीं देखा तो कुछ नहीं किया, क्योंकि बहुत ही पुराना, बहुत ही ऐतिहासिक 1200 साल का रिकॉर्ड है कल्प वृक्ष, जिसे कल्पतरु के नाम से भी जानते हैं। और ये जोशी मठ में ही है, तो इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ से कल्पवृक्ष की दूरी सिर्फ 100 मीटर की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मेरे सामने ही कल्पवृक्ष का पेड़ अभी आने ही वाला है। और यहाँ पर आप देखें, ये बड़ा मंदिर यहाँ पर, और यहाँ से ये व्यू आप देख पा रहे हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और पहाड़ियों की चोटी पे जोशी मठ, जहाँ पर अभी हम हैं। आइए आगे। ये आगे का व्यू, और पीछे मैं आपको यदि घुमा के दिखूं तो ये पूरा पीछे का व्यू, और यहाँ से ये ऊपर से पूरा जोशी मठ के मार्केट का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये मेन रोड है, मेन मार्केट की रोड है। तो ये यहाँ का मेन गेट आ गया। आपका नाम बताएं? मेरा नाम सतीश मीणा है। सतीश जी हैं और आप यहीं रहते हैं। तो सतीश जी, इसके बारे में, कल्पवृक्ष के बारे में ऐसे सुना जाता है कि ये 1200 वर्ष पुराना है। क्या शंकराचार्य जी ने इसके नीचे तपस्या किया? शंकराचार्य जी ने इसके नीचे तपस्या किया था। जी जी जी, जी। और नीचे उनकी गुफा भी है। नीचे परिक्रमा करना, इस गुफा पूरी परिक्रमा करते हैं और नीचे उनकी पेड़ खोखला है। जी, वहाँ शंकराचार्य जी ने तपस्या की है। पेड़ के अंदर ही, मतलब खोखला है पेड़? खोखला। अच्छा, वहीं से तपस्या की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया जी। तो ये बहुत ही पुराना आप देख पा रहे हैं, ये कल्पवृक्ष ही है जो आप देख पा रहे हैं अभी, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये पूरा। और मैं अंदर से आपको चल के दिखाता हूँ। आइए अंदर चलते हैं, परिक्रमा के द्वारा इसको देखते हैं, समझते हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पर घंटी लगा हुआ है, और ये सब यहाँ पर, इधर भी बहुत सारी घंटियाँ लगी हैं। हवन के लिए कुछ है, और ये आप देखें, और ये अंदर जो जल रही है। और इधर जहाँ पर तपस्या की थी शंकराचार्य जी ने, वो गुफा है। आइए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो नीचे का हिस्सा था पेड़ के नीचे का, जहाँ पर तपस्या की गई थी, वो जगह है। अभी हम अंदर नहीं जा सकते, बाहर से बंद है। इसका कुछ टाइमिंग होगा, उस हिसाब से ये खुलता है। तो दोस्तों, आपने देखा, ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही धार्मिक जगह, और एक बहुत ही बड़ा विशालकाय 1200 साल का हिस्ट्री लेके कल्पवृक्ष, जिसे कल्पतरु के नाम से भी जानते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप अपना कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अभी मैं उत्तराखंड की यात्रा पर हूँ और उत्तराखंड में जो धार्मिक जगहें हैं, जो ऐतिहासिक जगहें हैं, जो घूमने के लिए जो चीज़ें हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश इस चैनल पर करता हूँ। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।